Now we will discuss the short questions of this topic. So the first short question is, who discovered the Mendel work? तो right option है कि आपका जो है ये कार्ल कॉरेंस ने जो था वो discover किया था. Then question 3 है, describe the chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory में ये था कि जो genes है that is the unit of inheritance that is found in the chromosomes. Question 4 है, what is the contribution of the Fleming and Waldeyer in the origin of chromosomal theory of inheritance? फ्लेमिंग एंड वॉल्डियर ने 1876 के अंदर डिस्कवर किए थे क्रोमोसोम्स को इन द कलर्ड बॉडी ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स ऑफ द सैलेमेंडर, एंड देन दे डिवाइडेड कि क्रोमोसोम बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहे होते जैसे कि मेंडल्स ने फैक्टर्स को डिस्कस किया था. क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉल्स इन द ओरिजिन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. कॉल्स जो था ये जर्मन साइंटिस्ट था और इसने जो था वो मेंडल के पेपर को जो था वो रीडिस्कवर किया था, और फिर उसने जो था ये आइडिया प्रेजेंट किया था हेरिडिटी यूनिट्स और क्रोमोसोम्स के आपस में लिंकेज का. क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ TH मॉर्गन इन द ओरिजिन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. TH मॉर्गन इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने जीन लिंकेज और क्रोमोसोम्स के दरमियान जो था वो लोकेशन या उनका जो था रिलेशनशिप डिस्कवर किया था, एंड देन उसने जो था वो एक्स क्रोमोसोम जो कि सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स होते हैं उनका किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स डिटरमिन कैरेक्टर्स में क्या उसका इंपॉर्टेंस होती है और वो कैसे करते हैं वो सारा कुछ जो था उसने उस पर जो था वो पेपर पब्लिश किया था. क्वेश्चन 7 है, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर डिस्क्राइब द 4 टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम. तो पहला है हमारे पास टेलोसेंट्रिक जो कि एंड पे होते हैं, एक्रोसेंट्रिक जो कि नियर एंड होते हैं, सब मेटासेंट्रिक जो कि स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर होते हैं, एंड देन वी हैव द मेटासेंट्रिक जो कि सेंटर के अंदर होते हैं. क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज द क्रोमैटिन फाइबर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 रीजंस ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर. क्रोमैटिन फाइबर न्यूक्लियोसोम्स के बाद जो सेकंड होती है जिसके अंदर 3 न्यूक्लियोसोम आपस में कंबाइन होकर 30 न्यूटन मीटर का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उसको हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं. आपका इस सेल्स के अंदर जो DNA होता है वो मोस्टली इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर जो हाईली कंडेंस फॉर्म होगी उसको हम लोग हेटेरोक्रोमैटिन कहेंगे, और ये जो है वो मोस्टली जीन्स जो होते हैं ट्रांसक्राइब नहीं होते, और जो ज़्यादातर यूज होती है वो लूजली बाउंडेड होते हैं और उसको हम लोग यूक्रोमैटिन कह रहे होते हैं. क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3. पॉलीमरेज 1 जो है ये आपकी DNA को जो है वो रिप्लेस कर रहा होता है RNA से, एंड देन पॉलीमरेज 2 जो होता है ये आपके DNA रिपेयरिंग के अंदर हेल्प कर रहा होता है, एंड देन पॉलीमरेज 3 जो होता है ये आपकी टेम्पलेट की सिंथेसिस में जो है वो इन्वॉल्व होता है. क्वेश्चन 10 है, डिस्क्राइब द सेंट्रल डॉगमा ऑफ द जीन एक्सप्रेशन. सेंट्रल डॉगमा जो है, सेंट्रल डॉगमा कहते हैं उस चीज़ को जो कि एक्सप्लेन करता है कि DNA सेल को कैसे जो है वो कंट्रोल कर रहा था. इसकी एक्सप्लेनेशन होती है कि DNA जो है वो सेल को कंट्रोल करता है बाय मेकिंग द प्रोटीन्स, और इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. क्वेश्चन 11 है, डिस्क्राइब द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड के पहले डीजेनरेसी यूनिवर्सल होते हैं, उनमें कोई गैप नहीं होता और उनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती. क्वेश्चन 12 है, व्हाई इज द लेंथ ऑफ द मैसेंजर RNA इज शॉर्टेंड एज इट एंटर द साइटोप्लाज्म. क्योंकि मैसेंजर RNA जो क्रिएट होता है उसमें बहुत सारे इंट्रॉन्स एंड एक्सट्रॉन्स होते हैं, तो उनको स्लाइस करने के बाद जो आपका फंक्शनल मैसेंजर RNA क्रिएट होता है तो वो जो होता है वो साइज में छोटा हो जाता है. क्वेश्चन 13 है, इंटरप्रेट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी फॉर अ लिविंग सेल्स इफ द जेनेटिक कोड इज द ट्रिपलेट कोड. तो ज़्यादातर जो है ये मोस्टली 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर RNA जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें जो होता है वो 20 नीडेड होता है फॉर द ट्रांसलेशन, क्योंकि हमारे पास टोटल 64 जेनेटिक कोड्स हैं. क्वेश्चन 14 है, मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमनली अकरिंग माइनर म्यूटेशंस. माइनर म्यूटेशन जो है ये आपकी उसमें सिकल सेल एनीमिया आ जाती है, फेनाइलकीटोन्यूरिया आ जाती है, थैलेसीमिया आ जाती है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सारे जो डिजीजेस होते हैं ये पॉइंट म्यूटेशंस होते हैं, और ये मोस्टली जो होता है वो कजन मैरिजेस की वजह से होते हैं. क्वेश्चन 15 है, सजेस्ट द पॉसिबल वेज इन विच द सिंथेसाइज्ड प्रोटीन कैन बी यूज्ड इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल दैट इज सिंथेसाइज्ड इट. इसमें एक्सपोर्टेबल प्रोटीन्स होते हैं और इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स होते हैं. एक्सपोर्टेबल मीन्स कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं और ये फिनिश्ड होते हैं, और इंट्रासेलुलर मीन्स के जो 2 सेल्स के अंदर जो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं. इसके साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. थैंक यू.